हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस पर लगने वाले फोर्स को हमें कैलकुलेट करना है। हमने मान लिया एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, जिसमें क्यू चार्ज और एम मास का एक पार्टिकल वी वेलोसिटी से जा रहा है। इस चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल है वो है थीटा। यहां पर ये बात मैंने लिख दिया है। अब क्योंकि चार्ज मूविंग है, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस करंट एंड हेंस वी नो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट। सो मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। वन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज इटसेल्फ एंड अदर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोवाइडेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो टू मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट, आइदर दे अट्रैक्ट और दे रिपेल। दिस इंटरैक्शन रिजल्ट्स इन अ फोर्स। दिस फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स डिपेंड्स अपॉन नंबर वन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर चार्ज स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा चार्ज है, तो फोर्स विल बी हाइयर। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। This magnetic force also depends upon the speed of particle. If particle is moving faster, it is producing a stronger current and it is producing a stronger magnetic field. So this force will be greater if charge speed is more. Yani force is directly proportional to the speed. Third, it depends upon the magnetic field, magnitude of the external magnetic field. If external magnetic field is stronger, then it will offer higher force or vice versa. So force is directly proportional to B. This magnetic force also depends upon the angle between the magnetic field and the velocity vector of the charge particle, and this angle is of sine theta. So F is directly proportional to sine theta. Combining all four equations, we have F is directly proportional to QVB sin theta. F equals to QVB sin theta. इस proportionality को जब हम open करते हैं तो एक constant assume करते हैं K, तो F equals to K QVB sin theta. But practically K is 1. Practically K की value 1 आती है. So F can be written as F equals to QVB sin theta. This is magnetic Lorentz force in magnitude. But since this is a vector force, vector quantity, so in vector form F के ऊपर मैंने vector sign लिखा और इधर right hand side में मैंने लिखना है eta cap. Eta cap एक perpendicular unit vector होता है जो दोनों velocity और magnetic field के perpendicular लिया जाता है. So we can say eta एक perpendicular vector है जो V और B दोनों के perpendicular है. So F equals to Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, यानी मैग्नेटिक फोर्स को एक क्रॉस प्रोडक्ट से डिनोट करते हैं, क्योंकि साइन थीटा के साथ क्रॉस प्रोडक्ट और कोस थीटा के साथ हम डॉट प्रोडक्ट क्लास 11 में पढ़ के आए हैं. नाउ डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, क्योंकि ये वेक्टर फोर्स है और ये वेक्टर भी एक्सियल वेक्टर है. कौन सा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर, जो परपेंडिकुलर होते हैं अपने पेरेंट्स के. डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन मिलती है. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड का थंब, फर्स्ट फिंगर या फोर फिंगर और मिडल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच कर लें, तो थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फर्स्ट फिंगर या फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडल फिंगर points in the direction of current. Here direction of current means the velocity of positive charge particle. If our charge particle is negative, then this current will be taken in opposite direction. So once again, this is the Fleming left hand rule. Left hand rule say if thumb, first finger and the second finger are mutually perpendicular, then thumb points in the direction of force, first finger points in the direction of magnetic field and second finger points in the direction of electric current. This is all. Now we come special case. Special case, अगर हम magnetic Lorentz force को specially treat करें तो इसमें क्या इसके special cases हैं? If
चार्ज पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, अगर चार्ज पार्टिकल या तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल जा रहा है, इट इंडिकेट्स दैट थीटा विल आइदर बी जीरो और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन बोथ द केसेस साइन थीटा विल बी जीरो, साइन थीटा जीरो होगा इस केस में, और साइन थीटा जीरो होगा इट मींस फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल विल बी जीरो। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल विल बी जीरो विल इंडिकेट दैट पार्टिकल गोज अनडेविएटेड ऑन द सेम पाथ, ये पार्टिकल बगैर किसी रास्ते मुड़े, बगैर किसी रास्ते पर भटके अपने रास्ते सीधे निकल जाता है, यानी इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में कोई इंपैक्ट नहीं होता। दूसरी कंडीशन है इफ पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, उस केस में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और दिस साइन थीटा विल बी प्लस 1 फ्रॉम एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 और साइन थीटा एफ इक्वल टू क्यू वी बी, दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, यानी जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर जाता है तो इसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स काम करता है। थर्ड केस है इफ द चार्ज पार्टिकल हैज नो चार्ज, मींस इफ पार्टिकल मूविंग इज चार्जलेस, इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन क्यू विल बी जीरो, सो फोर्स अगेन विल बी जीरो, एंड एट लास्ट इफ चार्ज पार्टिकल कम्स टू मैग्नेटिक फील्ड एंड स्टॉप्स, तो अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में आ जाता है तो उसकी भी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इन दैट कंडीशन ऑल्सो फोर्स विल बी जीरो। नाउ वी कम टू मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में रखे किसी करंट कैरिंग वायर पर कितना मैग्नेटिक फोर्स काम करता है ये हमें देखना है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। हमने मान लिया एक एल लेंथ का वायर है जिसकी लेंथ हमने एल मानी है, टोटल लेंथ एल है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने ए माना है, वायर का लेंथ है एल, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए माना है, इस में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है स्मॉल एन, और इस वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है, ये वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में किसी एंगल थीटा पर रखा हुआ है, इस वायर में ये सारी चीजें हमने अज्यूम कर ली। अब क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है स्मॉल एन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर एन इक्वल टू होगा फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, और कंडक्टर का वॉल्यूम होगा ए टाइम्स एल यानी लेंथ और एरिया की मल्टीप्लाई, तो एन ए एल विल बी द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमने पढ़ा था मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स से एक इलेक्ट्रॉन पर या एक चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स एफ इक्वल्स टू होता है ई वी बी साइन थीटा, क्योंकि माइनस ई यहां पर मैंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया है माइनस ई वी बी साइन थीटा, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स काम कर रहा है, टोटल फोर्स ऑन एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर टोटल कितना फोर्स काम करेगा ये हम लेंगे एन इंटू एफ डैश यानी टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, सो एफ इक्वल टू एन ए एल मल्टीप्लाइड बाय माइनस एन ई ए वी एन ई ए एन ई वी बी साइन थीटा एन ई वी बी साइन थीटा बी एल साइन थीटा एन ई ए वी। अगर मैं इसको देखूं तो ये बन जाता है इलेक्ट्रिक करंट, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन यहां हुई है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो यहां से मैंने मान लिया एफ इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा आई बी एल साइन थीटा। अगर मैं यहां से एक बार फिर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो एफ इक्वल्स टू होगा आई इंटू वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी, एक बार फिर डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन भी मिलेगी। नाउ वी कम टू द फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लोरेंज फोर्स, अभी तक हमने पढ़ा था मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स और लोरेंज फोर्स दोनों में क्या डिफरेंस है। मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाले फोर्स को कहते हैं। लोरेंज फोर्स इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, यानी टोटल फोर्स एफ इक्वल टू
एफ ई प्लस एफ एम, एफ ई फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ एम फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। हमें पता है एफ इक्वल टू द क्यू टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई, और एफ एम इक्वल टू होता है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और अगर इन दोनों को कंबाइन करूं तो मेरे पास आता है वेक्टर एफ इक्वल टू क्यू वेक्टर ई प्लस क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, और इस तरह से एफ इक्वल टू क्यू वी बी क्यू इंटू वेक्टर ई प्लस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। दिस इज लोरेंज फोर्स, सर्कुलर करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। डाइपोल मतलब जिसमें दो पोल होते हैं। एक सर्कुलर करंट लूप को हम मैग्नेटिक डाइपोल कैसे ट्रीट करते हैं इसको समझते हैं। यहां पर देखते हैं, मेरे पास एक सर्कुलर रिंग है जिसमें मैंने करंट कुछ इस तरह से फ्लो करवाया है। सर्कुलर रिंग है, इसमें करंट मैंने इस तरह से फ्लो करवाया लाइक दिस। तो अगर मैं एक साइड से करंट देखता हूं तो एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरी साइड से देखता हूं तो क्लॉकवाइज महसूस होता है। यानी इस वायर में अगर करंट मैं फ्लो करवाता हूं इस लूप में, तो एक तरफ देखने पर यह करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में और दूसरी साइड से देखने पर यह करंट क्लॉकवाइज सेंस में अपीयर होता है। तो अगर मैं इस वायर को इस तरह से अज्यूम कर लूं लाइक दिस, इस लूप के मैंने दो हिस्से कर लिए, जब करंट का सेंस एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हम देखते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज करंट इस तरह से जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, जिस तरफ जिस आर्म में करंट आप है वहां पर एक एरो लगाते हैं ऊपर की तरफ पॉइंटेड करते हुए। इस साइड में हम एरो लगाते हैं इस तरह से, एक बार फिर देख लीजिएगा इसको मैंने कैसे किया है। हम जिस आर्म में करंट लेना होता है उस आर्म के साइड में लाइन खींचते हैं, इधर इस आर्म की तरफ भी लाइन खींचते हैं, डायरेक्शन हम एरो की तरफ लगाते हैं, और जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो ये नॉर्थ बनता है। तो जब करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पोलैरिटी नॉर्थ होगी। जब मैं इसमें वापस देखता हूं, यह है मेरा लूप का सेकंड पार्ट, यानी जिसमें मैंने क्लॉकवाइज करंट दिया है। क्लॉकवाइज करंट के लिए एक बार फिर मैं इसके वॉल के सारे एक लाइन खींचा, एक कर्व लाइन मैंने यहां भी खींच लिया, अरो लगेगा हमेशा डायरेक्शन ऑफ अरो में करंट में, इनको ज्वाइन किया तो मुझे ये एस बनता दिखता है, यानी पोलैरिटी बन जाती है साउथ। यानी अगर मैं एक लूप में करंट फ्लो करवाता हूं तो ऑन वन साइड करंट अपीयर्स एंटी क्लॉकवाइज एंड दैट साइड अपीयर्स नॉर्थ पोल, अदर साइड करंट अपीयर्स क्लॉकवाइज एंड दैट साइड बिकम्स साउथ पोल। तो एक लूप के एक तरफ नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ साउथ पोल बन गया, हेंस इट हैज बिहेव, इट विल बिहेव लाइक ए डाइपोल। ये एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। Now, अगर कोई डाइपोल है तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी हमें लेना है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M। किसी भी सर्कुलर करंट लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड इट्स एरिया होता है। लूप का जो भी एरिया होगा वो करंट से मल्टीप्लाई करके हमें मिलता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यानी M इक्वल टू आई इंटू ए करंट टाइम्स एरिया। अगर इसमें सिंगल लूप ना हो के मल्टीपल लूप हो, एक से ज्यादा टर्न्स हो, तो उस पर्टिकुलर केस में करंट भी एन टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि एक टर्न में करंट आई है तो एन टर्न्स में करंट एन आई होगा। इन दैट कंडीशन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम विल बी रिटन एज एन आई ए, एन आई ए। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी यूनिट बनती है एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एन नंबर है इसका, एक प्योर नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी करंट की, एम्पियर और एरिया की मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। और अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो एम इक्वल्स टू एन आई वेक्टर ए, वेक्टर ए मतलब एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर मतलब एरिया परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप। तो ये लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, किससे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अगर मैं इस वेक्टर को सर्कुलर करंट को अपने कर्लिंग फिंगर्स पे लूं तो स्ट्रेच थंब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या डायपोल मोमेंट को इंडिकेट करता है। तो डायरेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल से इसको मिलती है राइट हैंड थंब रूल।
इसकी डायरेक्शन